तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इसरो की जो जगह निकली है उस जगह के बारे में, कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चालान कितना है, उसका क्वालिफिकेशन क्या लगेगा और कौन से पोस्टिंग के लिए अप्लाई है और इसका पेमेंट क्या रहेगा, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार सतीश धवन स्पेस सेंटर शार एंड श्रीहरिकोटा तिरुपति जिला, ठीक है। तो यहाँ की जगह है, विज्ञापन जो है विज्ञापन की डेट है 26/4/2023 की, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विभाग भारत सरकार के अंतर्गत भारत का पेड सपोर्ट और तकनीक उत्कृष्ट का एक अग्रमीन केंद्र है, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर जो दिया गया है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार निम्नलिखित पदों भरने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है उस पदों के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो पहले जो इसमें दिया है कि वो पोस्ट कोड दिया है, फिर है डिसिप्लिन, फिर जो कॉलम दिया गया है उसमें जो जगह उनको भरनी उन जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, फिर है रिजर्वेशन डिटेल बाद में, और इसके लास्ट वाले कॉलम में दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि आपको लगेगा। तो पोस्ट कोड जो है कोड नंबर 2 है, और कोड नंबर 2 में जो जगह है वो उसकी जो पोस्ट है वो है सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी की पोस्ट है, और टोटल जो पोस्ट है 2 पोस्ट है, ठीक है। इसमें से जो एक UR के लिए और एक SC के लिए राखी पोस्ट है, 2 जगह है। और इसका जो स्तर रहेगा लेवल जो रहेगी 7 लेवल रहेगी, 7th नंबर की लेवल रहेगी, और इसका जो पेमेंट रहेगा 44,900 से 1,42,400 के बीच में इसका बेसिक रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सिनेमेटोग्राफी या फोटोग्राफी में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है इसके लिए डिसिप्लिन ट्रेड में। इसके बाद जो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड 3 नंबर का पोस्ट है, 03 नंबर का। इसके लिए जो चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये है, और इसके लिए 2 पोस्ट है, इसमें से एक UR के लिए है और एक जो है EWS के लिए राखी है। तो उपरोक्त पदों में से एक पद चिन्हित दिव्यांगता वाले व्यक्ति 12 के लिए है, बैकलॉग रिक्त, मतलब जो दिव्यांगत रहेंगे वो कान से दिव्यांगत रहेंगे उनके लिए वो राखी पोस्ट रहेगा, ठीक है। इसके लिए है सामान्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वो डिग्री प्राप्त, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा चाहिए, सॉरी डिप्लोमा चाहिए डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो भी फर्स्ट क्लास में चाहिए। इसके बाद जो रहने वाला है वो 04 पोस्ट कोड रहेगा, और इसका भी जो वेतनमान रहेगा वो लेवल स्तर 7 का ही रहेगा, और इसका भी सेम वेतनमान रहेगा। तो इसमें जो 04 कोड नंबर है पोस्ट कोड, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, सॉरी डिप्लोमा चाहिए, मतलब डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग का ये पोस्ट है। और इसके लिए जो जगह निकली है वो 2 जगह है, इसमें से UR के लिए एक है और ST के लिए 1 जगह है। इसमें भी जो चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। तो जो भी डिप्लोमा आपका चाहिए वो प्रथम श्रेणी में चाहिए, फर्स्ट क्लास में चाहिए। 05 नंबर का जो कोड है पोस्ट कोड, उसका जो पोस्ट है वह है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का पोस्ट है, इसके लिए 1 जगह है और ओपन के लिए है। और ओपन के लिए जो जगह है उसमें से जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा चाहिए, फर्स्ट क्लास में डिप्लोमा चाहिए। इसके बाद जो है यांत्रिक इंजीनियरिंग का पोस्ट है, पोस्ट कोड 06 है, और इसके लिए 5 जगह है। 5 जगह में से जो UR के लिए 2 है, SC के लिए 1 जगह है, बैकलॉग रिक्त है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 जगह है, मतलब ST के लिए 1 जगह है, और आर्थिक रूप से निर्भर वर्ग जिसको EWS बोला जाता है उसके लिए 1 जगह है। इसके लिए भी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। इसके बाद का जो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड नंबर 7 है, 07 लेवल वही है 7 लेवल, और इसका जो है कंप्यूटर साइंस का पोस्ट है, और इसके लिए 3 जगह है। 3 जगह में से एक UR के लिए, एक SC के लिए, एक EWS के लिए है। इसके लिए भी डिप्लोमा जो चाहिए वो कंप्यूटर विज्ञान के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण चाहिए। इसके बाद जो 8 नंबर का पोस्ट है वो फिजिक्स का पोस्ट है, इसके लिए 2 जगह है, इसमें UR के लिए एक है, अनुसूचित जाति मतलब SC के लिए एक है, और इसमें भी जो चाहिए वो संस्थान है भौतिक गणित एवं रसायन अनुषंगी विषय के साथ प्रथम श्रेणी में BSc चाहिए, ठीक है।
इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है फिजिक्स में बीएससी मांगा है और वो प्रथम श्रेणी में मांगा है, तो वो प्रथम श्रेणी में रसायन और गणित एवं रसायन में चाहिए। इसके बाद जो अगला पोस्ट रहने वाला है, बाकी का इन्फॉर्मेशन आप एडवर्टाइज में पढ़ लेना। तो पोस्ट नंबर 9 है फिजिक्स का है, फिजिक्स के लिए जो है वो बालासोरा उड़ीसा तैनाती स्थल जो दिया गया है BRSL, तो इसके लिए एक पोस्ट है ये ओपन के लिए, और इसमें भी जो गणित और रसायन में जो चाहिए प्रथम श्रेणी में बीएससी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके बाद का जो पोस्ट है पोस्ट नंबर 10 है, पोस्ट नंबर 10 जो है लेवल 7 है और पुस्तकालय सहायक है, मतलब लाइब्रेरी असिस्टेंट जिसको बोला जाता है वो लाइब्रेरी असिस्टेंट ये का पोस्ट है। इसके लिए 2 पोस्ट जगह रखी हुई है, इसमें से UR के लिए एक है और SC के लिए एक है। इसमें जो प्रथम श्रेणी स्नातक ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान समकक्ष में प्रथम श्रेणी में मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नोट दिया गया है वो नोट आप पढ़ लेना। पद कोट 2 से 6 के लिए डिप्लोमा न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि का होना चाहिए, मतलब पार्ट टाइम डिप्लोमा नहीं चलेगा, फुल टाइम चाहिए और वो भी 3 वर्ष की अवधि वाला डिप्लोमा चाहिए। पद नंबर 2 से 9 तक के लिए चिन्हित दिव्यांगता वाले व्यक्ति, मतलब जो कि PWBD भी आते हैं, 32 वर्ष को कार्यात्मक आवश्यकता SC ST BN RWES है। और पद क्रमांक जो है नोट नंबर 3 दिया गया कि पद कोड संख्या 10 के लिए चिन्हित दिव्यांगता वाले व्यक्ति PWBD अभ्यास सत्र के संबंध में कार्यात्मक आवश्यकता SC ST WSE RWHS के EMF है, ठीक है। इसके बाद जो पोस्ट दिया गया है वो रसायन का पोस्ट है, इसका जो लेवल रहेगा वो बी लेवल रहेगा, टेक्नीशियन बी लेवल, लेवल नंबर 3 रहेगा और इसका जो बेसिक रहेगा 21,700 से 69,100 के बीच में रहेगा। और जो 11 नंबर का जो पोस्ट कोड है, इसका जो पोस्ट है वो केमिकल का है, इसके लिए 10 जगह है और 10 जगह में से जो है कि UR के लिए 5 है, OBC के लिए 3 है, ठीक है। और आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग है EWS के लिए 2 जगह है। तो इसके लिए जो उपरोक्त पदों में से एक पद चिन्हित दिव्यांगता वाले व्यक्ति बहरापन के लिए राखी रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वालिफिकेशन चाहिए SSC SSLC SSC पास प्लस NCTUT में निम्नलिखित ग्रेडों में से किसी एक में ITI NTE या NEC चाहिए, तो रसायन प्रचारण रसायन, यंत्र मैकेनिक रसायन, अनुरक्षण मैकेनिकल रसायन, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक रसायन, इसमें से जो ये पास होना चाहिए, ठीक है। ITI इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है 12 नंबर का पोस्ट है और 12 नंबर का पोस्ट जो है रसायन का है, मतलब केमिकल का है। और PCR इकाई रसायन के लिए चिन्हित आइडेंटिफिकेशन पर PCR यूनिट का है और इसके लिए एक जगह है जिसमें एक ओपन के लिए है। इसका भी क्वालिफिकेशन आपके समक्ष दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना क्योंकि एडवर्टाइजमेंट 26 पन्नों की है तो बहुत बड़ी लंबी हो जाएंगी। फिलहाल इलेक्ट्रिशियन के लिए 6 जगह है, इसमें से अनारक्षित मतलब UR के लिए 3 है, OBC के लिए 2 है और EWS के लिए एक जगह है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ITI प्लस NCTUT इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड चाहिए, ठीक है। ITI और NCTUT चाहिए और वो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में चाहिए। फिर जो जगह इलेक्ट्रिशियन की है इसके लिए भी 2 जगह है, इसके में UR में एक है, EWS में एक है। इसके लिए भी चाहिए जो पास चाहिए SSLC या MSC पास प्लस NCTUT और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। इसके बाद जो फिटर ट्रेड की जगह है, फिटर ट्रेड की जगह 17 जगह है, UR में 8 है, OBC में 6 है। बैकलॉग जो दिया गया है, बैकलॉग रिक्त वो है EWS के लिए 3 जगह रखी है और इसमें भी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ITI इंस्टीट्यूट फिटर ट्रेड में चाहिए। फिर फिटर के लिए 2 जगह, एक फिटर के लिए 2 जगह, एक UR के लिए, एक EWS के लिए, इसका भी क्वालिफिकेशन आप पढ़ लेना। मशीनिस्ट की 3 जगह है, UR के लिए 2 जगह है और EWS के लिए 1 जगह है, ITI प्लस NCTUT मशीनिस्ट में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल 13 जगह है, UR के लिए 6 है, OBC के लिए 5 है। और इसके बाद जो भी क्वालिफिकेशन दिया है ITI का वो आप पढ़ लेना। इसके बाद जो है डीजल मैकेनिक की 3 जगह है, अनारक्षित UR मतलब UR के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है। और इसमें जो ITI डीजल मैकेनिक में प्लस NCTUT चाहिए, मतलब इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, UR के लिए 1 जगह, ITI चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, प्लम्बर है, प्लम्बर के लिए 2 जगह है, UR के लिए 1, OBC के लिए 1, इसके लिए भी ITI इन NCTUT चाहिए। इसके बाद 22 नंबर का पोस्ट कोड है, पद क्रमांक जो है 22 नंबर में, इसमें पंपर प्रचालन सह मैकेनिक है, 7 पोस्ट है, 3 UR, OBC 3 और जो ST के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है।
इसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो है एनसीटीसी से प्रमुख चालक का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए, फिर भाई भारी वाहन चालक लाइसेंसधारी डीजल, जिसके लिए तीन चाहिए, तीन पोस्ट है, और तीन पोस्ट के लिए यूआर के लिए दो, ओबीसी के लिए एक है। इसका क्वालिफिकेशन भी आप पढ़ लेना। तो इसके बहुत सारी जगह निकले। फिर है सिविल की जगह है, सिविल के लिए जो चाहिए दो पोस्ट चाहिए, और इसमें ओपन के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक है। इसमें भी जो ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड है, आईटीआई, एनसीटीबीटी होना चाहिए। फिर यांत्रिक मैकेनिकल, तो इसके लिए एक जगह है यूआर के लिए, और इसमें जो आईटीआई प्लस एनसीटीबीटी चाहिए, ठीक है। तो फिर नीचे नोट दी गई, आप इस नोट को अच्छे तरह से पढ़ लेना। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट बहुत लंबी है, तो इसको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी के आपको अच्छे तरह से एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेना है। आयर भत्ते एवं आय में जो छूट रहेगी, तो तकनीकी सहायक का जो पद रहेगा, टेक्निकल असिस्टेंट का, 2 से 6 तक, इसका जो 63,758 रुपये प्रति माह पर मंथ मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता मतलब डीए रहेगा, जो कि आपका पेमेंट बनेगा उसको पकड़ के। इसके बाद जो इसकी आय सीमा रहेगी 18 से 35 वर्ष तक रहेगी। इसमें जो कैटेगरी के लिए जो रहेगा, वो ओबीसी के लिए प्लस जो नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में आते हैं उनको 3 वर्ष की छूट रहेगी, और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। इसके बाद जो तकनीशियन बी ड्राफ्टमैन का पोस्ट है, ड्राफ्टमैन बी का, उसके लिए जो वेतन मान रहेगा वो 30,815 प्रति माह से प्लस डीए रहेगा जो भी बनेगा, ठीक है। इसके लिए भी सेम कंडीशन रहेगा, 18 से 35 ईयर। बाकी आरक्षित पदों के सामान दी गई इन श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष है, और उपभर्ती के जो कि मैंने आपको बता दिया गया है। इसके बाद है प्रवृत्ति प्रगति, आप पकड़ पढ़ लेना। फिर आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क का ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको एक बार समझ लेना है। तो इसमें जो दिया गया है कि प्रत्येक आवेदन के लिए प्रतिदेय आवेदन शुल्क ₹250 रहेगा। हालांकि शुरू में सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से ₹750 लिए जाएंगे। प्रक्रिया शुल्क केवल उन अभ्यास सत्र के लिए प्रतिदेय होगा जो लिखित परीक्षा में हाजिर होंगे, जैसे नीचे दिया गया है, ठीक है। तो आवेदन शुल्क जो रहेगा, महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD, भूतपूर्व सैनिक के लिए 750, जिन उम्मीदवारों को भुगतान से छूट दी गई है उन्हें पूरे प्रतिदेय का भुगतान किया जाएगा। मतलब जो भी SC ST कैंडिडेट है, महिला कर्मचारी है, और जो भी एक्स सर्विस मैन है, उनको वो भी, और जो भी ओपन OBC कैटेगरी में आते हैं, सबको जो शुल्क भरना है वो ₹750 शुरू में भरना है। इसके बाद जो भी आप रिटर्न एग्जाम देने के बाद आपको जो शुल्क है वो वापस किया जाएगा। वापस किया जाएगा मतलब SC ST महिला कर्मचारी और एक्स सर्विस मैन को जितने जिनके ₹750 भरे, उनके पूरे ₹750 वापस कर दिए जाएंगे, और जो भी ओपन कैटेगरी और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको ₹250 काट कर बाकी के जो ₹500 है वो वापस कर दिए जाएंगे। अन्य सभी संबंधित अभ्यर्थियों को कटौती के पश्चात ₹500 आवेदन शुल्क दिया जाएगा। मतलब जो कि मैंने आपको बताया, SC ST और महिला कर्मचारी और एक सर्विसमैन को छोड़ के बाकी के जो भी कर्मचारी बसते हैं, मतलब OBC और ओपन के जो भी कैंडिडेट बसते हैं, उनको जो ₹250 काट के ₹500 जो आवेदन शुल्क लिया गया वो वापस किया जाएगा ₹750 में। तो पोस्ट कोड 18 से 26 तक जो है, प्रत्येक आवेदन के लिए प्रतिदेय आवेदन शुल्क ₹100 है। हालांकि शुरू में सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से ₹500 प्रत्येक आवेदन की प्रक्रिया शुल्क होगा। प्रक्रिया शुल्क केवल उन अभ्यर्थियों के लिए प्रतिदेय होगा जिनकी परीक्षा हाजिर होंगे, जैसे नीचे दिया गया। और पोस्ट जो कि Level 3 की पोस्ट अपन ने देखी थी आईटीआई के बेसिक में, उसके लिए जो परीक्षा शुल्क है वो ₹100 है, लेकिन उसमें से जो शुरू में आपको ₹500 भरना है, ₹500 भरने के बाद जो सेम कंडीशन है, जो भी रिटर्न टेस्ट अटेंड करेंगे उनमें से SC ST महिला कर्मचारी और बाकी के जो एक सर्विसमैन कर्मचारी कैंडिडेट है उनको जो ₹500 में से ₹500 वापस कर दिए जाएंगे, और बाकी के जो भी है OBC और जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको ₹400 वापस कर दिए जाएंगे, उनके ₹100 जो है परीक्षा एग्जाम शुल्क काट लिया जाएगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है आप ये इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके बाद जो आप लोगों को फॉर्म अप्लीकेशन जो फिलअप करना है, उसके लिए जो हाल ही में खींची हुई फ़ोटो आपको को चाहिए, जो भी फॉर्मेट दिया गया वो फॉर्मेट में आपको करके फॉर्म को फिलअप कर लेना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए जो सिले फॉर्म फिलअप करने के बाद ऑनलाइन तरीके से करना है, और उसका जो लास्ट डेट रहेगा वो भी मेरे ख्याल से 19 या 20 तारीख है, वो कि दिया होगा इस एडवर्टाइज में, आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया जो रहेंगे, लिखित
ऑनलाइन चयन की विधि जो रहेगी लिखित परीक्षा रहेगी। ऑनलाइन आवेदन में दिए गए शैक्षणिक प्रदर्शन और अन्य मानदंडों के आधार पर पारंपरिक स्क्रीनिंग और केवल स्क्रीनिंग उन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा उस तरह आयोजित की जाएगी कि अभ्यास के सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान दोनों को देखते हुए निर्धारित पाठ्यक्रम जो कि आपको नीचे दिया गया है उसमें से जो दिया गया एग्जाम का जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस मतलब कौन से एग्जाम का जो ये रहेगा, क्या बोलते उसको, एग्जाम कौन से चैप्टर पे रहेगी, उस चैप्टर का यहाँ पे आपको वर्णन दिया गया है कि तकनीक सहायक, वैज्ञानिक सहायक, पुस्तकालय या तकनीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी के लिए जो परीक्षा तिथि रिटर्न टेस्ट रहेगी वो 1.5 घंटे की रहेगी, उसमें 80 प्रश्न रहेंगे, वो MCQ साइज के रहेंगे, प्लस एम 0.33 की निगेटिव मार्किंग रहेंगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा है कि निगेटिव मार्किंग, इसलिए आपको पढ़ाई अच्छे से करके जाना है, जो आता है उतना ही छोड़ाना है। कौशल्य परीक्षा जो रहेगी 100 मार्क की रहेगी। ठीक है, फिर मतलब स्किल टेस्ट जो रहेगी 100 मार्क की रहेगी, रिटर्न टेस्ट जो रहेगी 80 मार्क की रहेगी। फिर उत्तीर्णता मानदंड, रिटर्न टेस्ट में 80 में से 32 मार्क चाहिए पास होने के लिए, और स्किल टेस्ट में 100 में से 50 मार्क चाहिए, और जो भी रहेगा आपका मेरिट उसके हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। इसके बाद आपको ये सब पढ़ लेना है। इसके बाद जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा आपका, एग्ज़ाम सेंटर जो रहेगा गुंटूर में रहेगा, विशाखापट्टनम में रहेगा, तिरुपति में रहेगा, गुवाहाटी में, पटना, चंडीगढ़, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, हुबली, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड और भोपाल, तो ये आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। इसके बाद जो है मुंबई, नागपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, लखनऊ, देहरादून, कोलकाता, तो यहाँ पे आपके 22 एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। इसमें से आपको चूज़ कर लेना है कि आपको एग्ज़ाम जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके उस टाइम में आपको एग्जाम सेंटर चूज कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन प्रोसेस से नहीं होगा। तो ऑनलाइन आवेदन जो करना है आपको www.sha.government.in पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसकी की लास्ट डेट रहेगी आपकी 26/4/2023 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो जाएगा 16/5/2023 तक। ठीक है, तो इस साइट पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। इसके बाद जो दिया गया है कि याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियां, मतलब जो तिथियां आपको याद रखनी, जो डेट आपको याद रखनी, उसमें से ऑनलाइन पंजीकरण खुलने की तिथि है 26/4/2023, और क्लोजिंग डेट जो है 16/5/2023 है, और शुल्क जो भरना है आपको 17/5/2023 तक भरना है। इसके बाद जो है अभ्यास के लिए सामान्य शर्त जो जाएंगी, ये शर्त को आपको पढ़ लेना है, तो बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट है, इसको एक बार अच्छे से रीड करके, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, उसको अच्छे तरह से भर लेना है, और बहुत बढ़िया वैकेंसी है ITI डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए, तो ये मौका आपको हाथ से नहीं जाने देना है, और अच्छे तरह से पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को छुड़ाना है। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे हम अपने चैनल के द्वारा आप तक पहुँचाते जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।